मैम, हमने सुना है आपके बेटे मानिक मल्होत्रा हॉस्पिटलाइज्ड है। हाउ इज ही नाउ? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडियो O2 के टैलेंट हंट को अनाउंस करने के लिए। आई एम श्योर यू गाइस हैव कवर्ड इट वेल। यू कैन लीव। बट मैम, Fab 5 का मैम कुछ तो बताइए। इस मौके का मैं कब से इंतजार था। हम बोल रहे इस बार हम तहलका मचा देंगे। हमें बचपन से पता था कि हम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे, बहुत बड़े। और वो मौका हमें आज मिल गया। ये टैलेंट हंट हम जीतेंगे, उसके बाद हमारे हमारे एल्बम बनेगी, उसके बाद मुंबई के हर एक कोने में क्या इंडिया के हर एक कोने में हमारे गाने बजेंगे। मतलब शादी में, पब में, हर जगह वो कोई नवे नवेली बन जाएगी, बहुत बड़ी स्टार स्टार स्टार। नंदू, क्या हुआ? तुम माने के बारे में सोच रहे हो? अगर वो इस कॉम्पिटिशन में होता तो उसका एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे होता। लेकिन नव्या नवेली द फोक हुई। तुम्हें किसने बताया कि माने के इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? वो एक दो दिनों में ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ही विल बी परफेक्ट, ही विल बी सिंगिंग, ही विल बी सुपर। सो तुम्हें फैब फाइव से टक्कर लेना है तो तुम्हें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, राइट? क्यों ही ना बात, इसे बोलते हैं गर्लफ्रेंड वाला प्यार। अच्छा सर, हम क्या बोले? F5 को टक्कर देने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। और नंदिनी, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू मतलब क्या है? हाँ या ना? थैंक यू इसलिए बिकॉज तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी टीम में काम कर सकती हूँ और किसी की टीम में नहीं। ओके। क्यों ही ना बात, जब आपकी बेस्ट फ्रेंड हो आपके साथ तो किसी और की क्या औकात। हे वाह, हम तो बंदी भी करने लग गए। देखो अब तो हमारा बहुत मजा आने वाला है। I think हमें आज से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्चुअली आज से नहीं, अभी से। यू नो बिकॉज व्हेन मानिक कम्स आउट ऑफ द हॉस्पिटल आई वांट टू गिव हिम अ वेरी गुड सरप्राइज। तो ये करना चाहिए। अभी रूम्स भी अलॉट हो रहे हैं तो तुम रूम देख लेना और मैं आती हूँ। कहाँ? मैं लाइब्रेरी रूम जाके आती हूँ। आई नीड टू गेट द हारमोनियम, सुबह इशू करा के आती हूँ। जाओ, आई नीड टू गेट इट। ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आपने हर्षद को कॉलेज में देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या आपने हर्षद को कॉलेज में देखा है? अभी सीन मैंने वो म्यूजिक लाइब्रेरी की तरफ गया था। थैंक यू। व्हाट, दिस इज ब्रिलियंट पीस ऑफ तबला। स्पेस में कौन बजा रहा है? Oh God, I can't believe it. इतने crucial वक्त पर Manik is out of action. इस बार Fab 5 को ब्रेक करना बहुत आसान है। But you know what? Bangalore में Manik के साथ क्या हुआ? I have no idea. But trust me, things couldn't have been better for us. Not for us, Ashok. For you. मैं स्पेस 5-5 को तोड़ने नहीं आया था। That was your agenda. मुझे सिर्फ मानिक चाहिए। Only मानिक। और तुम ही ने कहा था ना? If I have to bring Manik down after taking him away from 5-5, so I'm doing exactly that. और मुझे उन चारों में से किसी के साथ कोई पर्सनल इश्यूज नहीं, सिवाय that they are Manik's friends. Fine. Then it's all sorted. क्योंकि अगर सिर्फ मानिक तुम्हारा टारगेट है, I'm the one for you. क्योंकि मानिक मल्होत्रा मुझसे अच्छा और कोई नहीं जानता। So for that, you have to listen to me. जब मैं तुम्हें अमेरिका में पहली बार मिला, I believed everything that you told me about मानिक, Fab 5 और उनकी nasty realities. I believed everything. लेकिन जब से मैं इंडिया आया हूँ, I met these guys, I spent time with them, I hung out with them. I still kept remembering everything that you said. But sometimes मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम कह रहे थे। Don't you dare. Watch it. Watch what you say to me, man. Watch what you say to me. Because I don't care about your plans, your ideas, and your hidden agendas. मुझे सिर्फ मानिक चाहिए। I am here to take revenge for my sister, so. She died because she loved Manik.
मैक्स ने उसे मार डाला and now he has to pay a heavy price for that. Very bloody heavy price. Don't move, or I'll shoot. What is wrong with you? Put your gun down here. Miss you guys. Fantastic. Very good. We missed you too. Huh? Dali? Dali? Pagal hai tu? मानिक है तो मानिक हॉस्पिटल हॉस्पिटल में क्यों क्या हुआ उसे हमें भी नहीं पता क्या हुआ उसे कल से बेहोश लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो लेट्स गो तुझे सीरियसली लगता है मानिक को ऐसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के कॉलेज जाते एक्जेक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ हम यहाँ पे क्यों है चलो उसके पास हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते वी आर नॉट अलाउड ऑल थैंक्स टू योनिका Shit. इतना सब कुछ हो गया तुमने एक मैसेज भी नहीं करने का सोचा ना कॉल करी अरे कॉल कैसे करते हमें क्या पता कि तू वापस आ गया यार I would, we know. मैंने आले को मैसेज किया था It must have slipped my mind. Really, यार? या तुम बताना ही नहीं चाहती थी इन सबको that I'm back. Oh, please, Dhruv. इतना कुछ चल रहा था You can't expect me to remember a message. How's Manik? How's he? Do you guys really think कि मैं तुम्हें यहाँ मानिक के कंडीशन के बारे में अपडेट देने आई हूँ? Oh yeah, right. How can we be so foolish? आप हमें मानिक के बारे में क्यों इन्फॉर्म करें? In fact, मुझे तो लगता है आपको खुद पे नहीं पता होगा मानिक कैसे I care enough to warn you guys. मानिक की कंडीशन के बारे में प्रेस में किसी भी सोशल मीडिया पे कोई अपडेट नहीं होना चाहिए. Is that clear? No, it isn't. आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हमें धमकी देंगे आप हमें डराएंगे और हम कर देंगे आप गुस्सा हो गए अच्छा ठीक है विल डू समथिंग आप एक काम कीजिए आप मेहमानी से मिलने दीजिए एंड विल मेक श्योर दैट कि हम अपना मुंह बंद करें आर यू ट्राइंग टू बार्गेन विद मी शट अप कबीर हाउ डेयर यू डू दैट क्या बोल रहे हो तू पर अब तो डेयर कर दिया है वी कांट गो बैक ऑन आवर वर्ड्स कैन वी I just hope you guys to realize कि मेरे हाथ में तुम सबका करियर है। हमें पता है, लेकिन आपकी इस सिली से वार्निंग से ना आपका खुद का बिजनेस हमारे हाथ में। हम ये can cause damage too, हम ये बुरा कर सकते हैं। Well actually मेरे हाथ में तो इचिंग हो रही है, पता नहीं खुजली हो रही है, ऐसे फोन निकल के अपने आप Twitter, Insta, Manik is where? One hour, just one at a time. वो भी सिर्फ विजिटिंग हाउस में बोले नट केस दैट इंक्लूड्स नंदिनी टू राइट डोंट पुश योर लक नो नो मानिक से मिल सकते हैं गाइस अब मानिक इज नॉट सेफ ही इज नॉट सेफ एट ऑल आर्यमन वो का भाई है मानिक सेफ नहीं है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है लेकिन मुझे मुझे किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा लाइफ में पास पर हेल्प लेकिन किस आप भाई दे सो एक्साइटेड अबाउट द एल्बम आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट ऑल ओवर अगेन आई हैव टू डू समथिंग कुछ करना होगा लेकिन किसकी हेल्प प्लीज हेल्प मी ऑन आई नो माय सन वेरी वेल वो बहुत ही विंडिक्टिव और अग्रेसिव है वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है सोहा का पूरा केस चल रहा था शी जस्ट यूज्ड मनी सो आई कांट आस्क फॉर इट
Navya, of course, she's my friend. She's going to help me, right? Navya already in tension. I don't want to become an odd burden. Blank promise. But you can use it whenever you want to. Whenever you want me to listen to you. Manik. Manik, he's always there, right? For me, man. Whoa! तुम इतने जल्दी में क्यों लग रही हो? मानिक को मिलने जा रही हो? How's he doing? If you don't mind, can I come along? I want to check on him. What? What do you want to check on him? कैसा सवाल है? He's hospitalized. I just want to check on him. It's called good manners. Good manners. तुम हमेशा सबके साथ इतनी concernedly बात करते हो या हम कुछ special है? Why did you choose us? Well, it's really easy because goodness attracts goodness. I'm a good boy. You guys are good. So, hence the attraction. तुमने कभी सुना नहीं है? Opposites attract. I wonder who's good and bad here. हाँ, नंदनी, आज तुम्हारी मूड को क्या हुआ है? I'm asking you a simple question. कि मानिक कैसा है? I want to check on him. Where are you taking this conversation? Aryaman, you cannot meet him. 24/7 guards are guarding his room. No one can go inside, so you cannot meet him. Do you have updates about Manik Malhotra's condition? No, ma'am. He's in City Hospital, room number 407. Uski tabiyat theek nahi hai. But tumhe hua kya hai? I think you should go to the hospital and find out. But don't forget, room number 407. Thank you, ma'am. Manik ke room mein chaki dikhao, Aryaman. मुक्ति, तुमने सिटी हॉस्पिटल के विजिटिंग आज चेक किए? या 5-7. तो हमारे पास अभी और 4 घंटे हैं. कल, the time, let's practice. Yes, come on. You pretend sir. Come on यार, मानिक वहाँ पे unconscious पड़े और हम लोग आए भी क्यों कर रहे हैं? And how are we supposed to make music like this? I know मुक्ति, it's not easy, but believe me. मानिक कुछ ही दिनों में हमारे साथ होगा और टैलेंट उनकी रिहर्सल हम साथ में करेंगे और इसीलिए उसके आने से पहले हमें म्यूजिक का एक छोटा सा चंक प्रिपेयर कर लेना चाहिए ताकि जैसे वो आए एकदम क्विकली हम लोग रिहर्सल स्टार्ट और उसे पता लगाना कि उसकी एब्सेंस में हमने कुछ भी रेडी नहीं किया तो तुम सब भी रेडी हो जाना मानिक से डांट खाने के लिए मैं तो साफ साफ बोल दूंगा कि लोगों ने ही मना किया था यू आर राइट ध्रुव तू समझदार हो गया तू वाकई म्यूजिक सीखने गया था कि कुछ और Let's begin. Come on. Melania, मुझे लगता है ध्रुव से ज्यादा स्मार्ट है तू. Why didn't you tell us about Ruth's call? I told you, Mukti, I forgot. Melania, don't give me these silly excuses. I know. बोली नहीं. Why? Because everything's over between us. There's nothing left between Dhruv and me. You know, he's not understanding. And nor is he. He just doesn't get it. How do you know? Acha, to usne mujhe hi kyun message kiya? Why did he tell you guys ki wo wapas aaya? Kyunki Alia, it's over bolne se sab kuch khatam nahi hota. Aur sabko dikha. We can see there's something. There's still something between you. मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे और शायद ध्रुव को क्यों नहीं दिख रहा है आलिया आर यू ओके व्हाट्स द प्रॉब्लम इट्स डेफिनेटली नॉट दैट ध्रुव ये सब क्या चल रहा है हमें वापस से बात क्यों नहीं कर लेते
तेज किधर जाती? हम अंदर जाती। सुबह को हम टिफिन लेके आती, तुम लोग खाना खाती? खाना भी खा ली और टिफिन भी खा ली। तो कल मैं भर के और लेके आती। रूम नंबर 407 में तो मेरी ड्यूटी है, तो तुम कौन हो? अरे बाबा, हमारा स्पेशल ड्यूटी लगा है, स्पेशल कैटेगरी का स्पेशल वार्ड बॉय। कौन सी स्पेशल कैटेगरी? अरे दादा, तुम ही जानो ना, वो हमारा आवाज पतली, हम पतली, हम बहुत छोटे से, बहुत आप देखो पतला सा, लड़की जैसा, तुम जैसा स्ट्रॉन्ग आवाज, टॉल, रफ एंड टफ, वैसा नहीं होती ना, तो इसलिए स्पेशल कैटेगरी में नाम लिखवाती बेचारा, तो इसलिए सिंपैथी के। किसने अपॉइंट किया तुझे सिंपैथी के? मीना नर्स ने। कौन मीना नर्स? ए वर्ड बॉय, दूर से लेके बात करने का, उमकेश ने बोला ना स्पेशल कैटेगरी का है वो है। अब तू निकल उमकेश, तुम अंदर जाओ। हेलो मानिक, सो आई एम बैक एंड आई वांट टू सी रिपोर्ट्स एंड आई होप आई गॉट ऑल द आंसर्स। टाइफाइड इज नेगेटिव, ओके, जॉन्डिस इज नेगेटिव, मेनिनजाइटिस इज नेगेटिव। माने व्हाट इज दिस? तुम्हें नहीं करना ना मेरा काम, डॉक्टर को कॉज नहीं बताना ना तुम्हारी। माने ऑल यू वांट टू डू इज जस्ट लाई ऑन दिस बेड, तुम्हें बस सोना है, यू जस्ट वांट टू चिल ऑन दिस बेड ना। मुझे ये हर चीज अकेली करनी पड़ेगी, आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माय ओन, है ना? तुम्हें पता भी है कि कितना बड़ा टास्क है मेरे लिए, दिस इज सच अ बिग थिंग फॉर मी, आई हैव टू प्रोटेक्ट। तुम सोते रहो, यू जस्ट वांट टू चिल, सो यू चिल। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगी, आई हैव नो आइडिया हाउ विल आई मैनेज। मानिक उठाना प्लीज, मानिक उठाना, मानिक आई नीड यू, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, प्लीज आई नीड यू, प्लीज वेक अप ना मानिक, मानिक उठो, मानिक उठो ना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? Fine. I will show you if I'm strong or not. Let's see who wins. Dekha, tum haar gaye. You lost. Money. मुझे नहीं पता हाउ आई डू इट, आई हैव नो आइडिया हाउ विल आई मैनेज, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। यू नो मानिक, आई रियलाइज ना, यू नो तुम वो वियर्ड चीजें करती थी, दोस थिंग्स टू प्रोटेक्ट योर फ्रेंड्स और मी, हर्षद के साथ, नियोनिका मैम के साथ, सोहा के साथ, पंडित जी के साथ, कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों करते थे, पहले गुस्सा आता था लेकिन अब नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ स्कैर्ड यू मस्ट हैव फेल्ट फॉर अस। प्लीज तुम शो ऑफ मत करना, इतराने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब हैंडल कर लूं, सो आई एम गोइंग, ओके, यू टेक केयर ऑफ मी, बाय। रूल्स टू फॉलो, टू कीप अवे द मॉस्किटोज, कीप विंडोज शट, कीप अवे। तो मिस्टर मानिक मल्होत्रा, तुमने मेरी हेल्प फाइनली कर ही ली, हाँ लेटे लेटे ही सही, बट यू हेल्प मी, बट मैं उसके लिए तुम्हें थैंक यू नहीं बोलने वाली, बिकॉज थैंक यू बोलने के लिए यू नीड टू वेट।